नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 जून, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। साइबर थाने की रैंकिंग में सारण जिला टॉप पर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड परीक्षा का जारी किया शेड्यूल। बिहार के इन जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। चुनाव खत्म होते ही कई न्यूज चैनल्स ने बताया कि इस गठबंधन को मिलेगी बहुमत। देश के कानून का उल्लंघन करने पर व्हाट्सएप ने बैन किए इतने अकाउंट। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के लिए इंडिया चैंपियंस तैयार। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर निकली भर्ती। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सुपरवाइजर के पदों पर निकाले गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 जून है। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। आखिरी चरण में पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में हुई सबसे अधिक वोटिंग। बीते दिन लोकसभा के 7वें और आखिरी चरण में 8 सीटों पर चुनाव हुए। इन सभी सीटों पर कुल 50.58% के करीब में वोटिंग हुई है। इसमें सबसे ज्यादा वोटिंग पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर हुई है। यहां वोटिंग करने वालों की प्रतिशत 56.91 के करीब में रही। वहीं सबसे कम वोटिंग पटना साहिब में करीब 45% के साथ रही है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार के मुख्य सचिव निर्वाचन आयोग HR श्रीनिवासन ने बताया था कि ये आंकड़ा बढ़ेगा। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर नया रिकॉर्ड बना है। इस सीट पर 2019 की तुलना में 6% अधिक वोटिंग हुए हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। सोनाक्षी सिन्हा एक भारतीय एक्ट्रेस हैं। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1987 में हुआ था। सोनाक्षी सिन्हा शॉटगन कहे जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं। इन्हें सर्वश्रेष्ठ पदार्पण अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। इन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मों में काम किए हैं, जिसमें दबंग, राउडी राठौर जैसे फिल्म शामिल हैं। फिल्मों के अलावा सोनाक्षी कई वेब सीरीज में भी काम कर चुकी हैं, जिसमें अभी हाल में ही रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी शामिल है। इस सीरीज में एक्टिंग के लिए सोनाक्षी की काफी सराहना भी की जा रही है। साइबर थाने की रैंकिंग में सारण जिला टॉप पर। जिलों में साइबर अपराध के विरुद्ध की गई कार्रवाई के आधार पर हर जिले में गठित साइबर थाने के द्वारा मासिक रैंकिंग तैयार की जा रही है। बिहार पुलिस की आर्थिक व साइबर अपराध इकाई द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार इस साल के अप्रैल महीने में दर्ज साइबर संबंधित अपराधों से लेकर गिरफ्तारी व रिफंड के मामले में सारण जिला सबसे टॉप पर है। औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सहरसा टॉप 5 जिलों में शामिल रहे। वहीं अप्रैल महीने में साइबर अपराधों से निपटने के मामले में सुपौल, शिवहर, नवगछिया, किशनगंज एवं खगड़िया का स्थान निम्न स्तर का प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल रहा। जबकि EOU के अनुसार सारण साइबर थाना द्वारा पीड़ितों को करीब 10 लाख रुपए की राशि रिफंड करवाई गई है, जो अभी जिलों में सर्वाधिक है। चुनाव खत्म होते ही कई न्यूज चैनल्स ने बताया कि इस गठबंधन को मिलेगी बहुमत। चुनाव प्रक्रिया अब समाप्त हो चुके हैं और 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आ जाएंगे। अब इससे पहले कई न्यूज चैनल्स अपने अपने एग्जिट पोल जारी कर रहे हैं। रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल के मुताबिक NDA को इस बार 353 से 365 सीटें मिलने वाली हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 133 सीटें मिलेंगी। इंडिया टीवी के मुताबिक NDA को 371 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स ने NDA को 400 से अधिक सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। NDTV ने भी पोल जारी किया है। NDTV के मुताबिक इस बार NDA को 357 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने DLED परीक्षा का जारी किया शेड्यूल। DLED पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2023-25 के प्रथम वर्ष तथा सत्र 2022-24 के द्वितीय वर्ष के बाह्य विषयों की परीक्षा का कार्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी कर दिया है। 12 से 15 जून तक द्वितीय वर्ष की परीक्षा आयोजित की गई है, जबकि प्रथम वर्ष की परीक्षा का आयोजन 18 जून से 25 जून के बीच किया गया है। परीक्षा को 2 पालियों में आयोजित किया गया है। सुबह 9:30 से लेकर 12:45 के बीच में पहली पाली की परीक्षा करवाई जाएगी तथा दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5:15 तक रहेगी। बता दें कि 1 जून को परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी अपलोड कर दिए जाएंगे।
बिहार में तिल की खेती के लिए किसानों को किया जा रहा प्रोत्साहित। पिछले साल बिहार में तिल की व्यावसायिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की शुरुआत की गई है। इस संबंध में कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि विभाग गर्मी के मौसम में तिल की खेती को बढ़ावा दे रहा है। विशेष रूप से गया में तिलकुट उद्योग को तिल की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर हो जाए, इसके लिए तिल की खेती कर रहे किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गया का तिलकुट पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन तिलकुट निर्माण के लिए तिल को दूसरे राज्यों जैसे गुजरात या राजस्थान से लाना पड़ता है। आगे कृषि सचिव ने बताया, तिल की किस्म GT5 का 50 क्विंटल बीज अनुदानित दर पर किसानों को उपलब्ध करवाया गया है। मिशन गर्मी को देखते हुए मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने अलर्ट रहने की कही बात। बिहार में पड़ रहे भीषण गर्मी को लेकर सरकार भी अलर्ट हो गई है। भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए संबंधित विभागों को मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने अलर्ट रहने को कहा है। साथ ही विभागों को इलाज और राहत पहुंचाने का निर्देश भी दिया गया है और आम लोगों को एहतियात बरतने की बात कही गई है। मुख्य सचिव ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी स्तर के प्राथमिक अस्पतालों से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में गर्मी से बीमार लोगों के इलाज की व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने अस्पतालों में लू की चपेट में आने वाले मरीजों के लिए अलग से वार्ड, ORS और AC की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। बिहार झारखंड पेंशन विवाद के निपटारे में लगी दोनों राज्यों की सरकारें। कई प्रयास किए जाने के बावजूद अब तक बिहार और झारखंड के बीच पेंशन विवाद का निपटारा नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में एक और पहल की जा रही है। दोनों राज्यों के महालेखाकार द्वारा पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि PPO के वास्तविक आंकड़े केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद जुटाया जा रहा है। इसके बाद वित्त विभाग की ओर से बिहार में 3 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है जो बैंकों से PPO का मिलान करेगा। पिछले दिनों दोनों राज्यों के महालेखाकार को गृह मंत्रालय द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि पेंशन मद में कितनी राशि का भुगतान हुआ है और कितना बकाया है, इसका सही आंकड़ा उपलब्ध कराए। दरअसल पेंशन राशि के भुगतान और प्राप्ति से संबंधित दोनों राज्यों के आंकड़े मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए बैंकों के सहयोग से PPO का रैंडम मिलान कर 3 सदस्यीय समिति को सही जानकारी जुटानी है। गरीब बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में रजिस्ट्रेशन शुरू। प्रखंड के प्रस्वीकृति प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में गरीब या कमजोर श्रेणी के बच्चों का शैक्षणिक सत्र 2024-25 में ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत ऑनलाइन नामांकन के लिए पंजीकरण 1 जून से शुरू कर दिया गया है। 16 जून तक नामांकन के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया चलेगी। विद्यालय का ऑनलाइन आवंटन 16 और 19 जून को किया जाएगा। उसके बाद 20 जून से लेकर 30 जून तक चयनित बच्चों के सत्यापन के बाद विद्यालय में प्रवेश किए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रखंड में प्रस्वीकृति प्राप्त निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के लिए बच्चे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गरीब बच्चों को इस निजी स्कूल में पहले से 8वीं तक के क्लास तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे वैशाली के बारे में। वैशाली बिहार प्रांत के वैशाली जिला में स्थित एक गाँव है। ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध ये गांव मुजफ्फरपुर से अलग होकर 12 अक्टूबर वर्ष 1972 को वैशाली के जिला बनने पर इसका मुख्यालय हाजीपुर बनाया गया। वज्जिका यहाँ की मुख्य भाषा है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार वैशाली में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक कायम किया गया था। भगवान महावीर की जन्मस्थली होने के कारण जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए वैशाली एक पवित्र स्थल है। भगवान बुद्ध के इस धरती पर 3 बार आगमन हुआ, ये उनकी कर्म भूमि भी थी। महात्मा बुद्ध के समय 16 महाजन पदों में वैशाली का स्थान मगध के समान महत्वपूर्ण था। अति महत्वपूर्ण बौद्ध एवं जैन स्थल होने के अलावे ये जगह पौराणिक हिंदू तीर्थ एवं पाटलिपुत्र जैसे ऐतिहासिक स्थल के निकट है। आज वैशाली पर्यटकों के लिए भी बहुत ही लोकप्रिय स्थान है। अब स्थानीय स्तर पर खरीदी गई दवाओं का ब्यौरा होगा दर्ज। ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को स्थानीय स्तर पर खरीदी गई दवाओं को भी अपडेट करना जरूरी होगा ताकि मांग आपूर्ति और वितरण को पारदर्शी बनाया जा सके। सभी सिविल सर्जन को राज्य स्वास्थ्य समिति ने इस संबंध में पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 151 किस्म की दवाएं स्वास्थ्य संस्थानों को BMSICL द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। आपको बता दें कि 151 किस्म की दवाएं स्वास्थ्य संस्थानों को BMSICL द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति या स्वास्थ्य संस्थान दवाई खरीदते हैं। आपको बता दें कि दवाओं की मांग और वितरण की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं।
जीआई टैग मिलने से बाजार में मखाने की कीमत हुई दोगुनी। देश और विदेश में मिथिला के विश्व प्रसिद्ध मखाना की मांग बढ़ती ही जा रही है। जब से मखाने को जीआई टैग मिला है, मांग बढ़ने से इसकी कीमत भी पहले से दोगुनी हो चुकी है। बाजार में मखाने की जितनी मांग है, उस हिसाब से इसकी मांग भी पूरी नहीं हो पा रही है। 6 महीने पहले तक स्थानीय बाजारों में मखाने की कीमत 600 रुपए तक किलो थी, लेकिन अब इसकी कीमत 1200 रुपए तक चली गई है। मालूम हो कि 20 अगस्त वर्ष 2022 में मिथिला के प्रसिद्ध मखाने को जीआई टैग मिला था। आपको बता दें कि बाजारों में मखाने की कीमत गुणवत्ता के आधार पर तय की जाती है। देश के कानून का उल्लंघन करने पर व्हाट्सएप ने बैन किए इतने अकाउंट। भारत में 71 लाख से ज्यादा अकाउंट को व्हाट्सएप ने देश के कानूनों का उल्लंघन करने के लिए अप्रैल महीने में बैन कर दिया है। कंपनी ने बताया कि बैन किए गए 71,82,000 व्हाट्सएप अकाउंट में से 13,02,000 यूजर्स की तरफ से रिपोर्ट मिलने से पहले ही एक्टिव रूप से ब्लॉक कर दिया गया। आपको बता दें कि 550 मिलियन से ज्यादा यूजर्स मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के भारत में मौजूद हैं, जिसमें 10,554 शिकायतें भारत में प्राप्त हुई थी, जिन पर कार्रवाई हुई उनकी संख्या 6 थी। कंपनी द्वारा कहा गया है कि हम अपने काम में पारदर्शिता बनाए रखेंगे। ईओयू ने एनटीए से नीट पेपर के प्रश्न पत्र की मांग। नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू द्वारा की जा रही है। अब इसी जांच के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से ईओयू ने प्रश्न पत्र की मांग की है। एनटीए द्वारा प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाने के बाद परीक्षा माफियाओं के पास से जब्त प्रश्न पत्र की जाँच ईओयू द्वारा की जाएगी। आपको बता दें कि गिरफ्तारी से पहले ही परीक्षा माफियाओं ने प्रश्न पत्र और उत्तर जला दिए थे, लेकिन पुलिस ने इस जले और गीले प्रश्न पत्रों को सुखाने के बाद 74 प्रश्नों की सूची तैयार की है। अब इसी से आगे की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बिहार के इन जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। प्रदेश में कई जगहों पर भीषण गर्मी के साथ लू तो कहीं पर बारिश देखने को मिल रहे हैं। मौसम के इस आंख मिचौली के बीच लोगों को लगातार एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर और सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया व कटिहार में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 38 से 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान आज 26 से 28 डिग्री तक रहने की संभावना जताई गई है। 10 जून तक चलेंगे बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए पंजीयन। 10 जून तक बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी BCECB के अनुसार राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए पंजीयन होंगे। वहीं शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 11 जून है। आवेदन में सुधार करने का समय 12 से 13 जून तक का दिया गया है। आपको बता दें कि इस बार 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुल 13,835 सीटों पर नामांकन होने वाले हैं। बिहार के इन इंजीनियरिंग कॉलेजों में बच्चों के नामांकन जेई मेन के स्कोर कार्ड के आधार पर लिए जाएंगे। बीसीईसीबी के विशेष कार्य पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों के 13,835 सीटों पर जेई मेन के स्कोर पर ही दाखिला लिया जाएगा। जेई मेन जनवरी और अप्रैल सत्र का स्कोर कार्ड मान्य होगा। बिहार के नवादा से शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के नवादा जिले के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र परना डाबर से पुलिस द्वारा कुल 398.10 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 2 गाड़ियों से शराब ला रहे 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। बता दें कि जानकारी के अनुसार गिरफ्तार सभी शराब तस्कर हिसुआ थाना क्षेत्र के हदसा गांव के रहने वाले हैं। थाना अध्यक्ष रंजन चौधरी ने बताया कि झारखंड से अकबरपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर की ओर से पिकअप और कार से भारी मात्रा में शराब की खेप परना डाबर, मिसकौर व सीतामढ़ी के रास्ते हिसुआ थाना क्षेत्र के हदसा गांव की ओर शराब ले जाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा छापेमार दल का गठन किया गया और वाहनों को रोककर उसकी जांच कर 5 कार्टन में 180 ml के 220 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किए गए। एसी सर्विसिंग के नाम पर धोखाधड़ी के कई मामले आए सामने। गर्मियों के दिनों में एसी की डिमांड जितनी बढ़ रही है, एसी के नाम पर लूट भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। एसी सर्विस या एसी रिपेयर कराते वक्त थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एसी के नाम पर ठगी के कई मामले सामने आए हैं।
कई मैकेनिक एसी सर्विसिंग और रिपेयरिंग के नाम पर लोगों को चूना लगा रहे हैं। मैकेनिक लोगों की नजरों में आए बिना एसी का कंडेंसर बदल दे रहे हैं, जिसके कारण एसी की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। और जब लोग फिर से मैकेनिक को बुलाते हैं तो मैकेनिक उसी यूजर का कंडेंसर उन्हीं के एसी में लगाकर लोगों से अच्छी खासी पैसे लूट लेते हैं। एसी सर्विस के दौरान ग्राहकों से धोखाधड़ी के कई और तरीके अपनाए जा रहे हैं, इसलिए आम लोगों को इस तरह के धोखाधड़ी से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। देश के कई गणमान्य लोगों को भेजा जाएगा भागलपुर का जर्दालू आम। भागलपुर का जर्दालू आम देश से लेकर विदेश तक में प्रसिद्ध है। भागलपुर का जर्दालू आम शहर के कई बगीचे में देश के कई गणमान्य को भी भेजा जाता है। जर्दालू आम संघ के सचिव कृष्णानंद के अनुसार हर साल की तरह इस साल भी कई गणमान्य को भागलपुर का जर्दालू आम भेजा जाना है। बगीचा घूमकर आम का चयन कर डिब्बे तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जून के पहले सप्ताह में लगभग 2000 पैकेट का जर्दालू आम सौगात के रूप में भेजा जाएगा। वहीं संघ के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने बताया कि पहले आम के डिब्बे को 2 जून को भेजने की तैयारी थी, लेकिन अब 5 जून को विक्रमशिला एक्सप्रेस से दिल्ली के बिहार भवन में आम भेजा जाएगा, जिसे देश के प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति समेत कई गणमान्य से आम का स्वाद चखेंगे। आपको बता दें कि भागलपुरी जर्दालू को GI टैग प्राप्त हुए हैं, जिसके बाद यहां के आम को विदेश भी भेजा जाता है। पिछले साल जर्दालू आम को इंग्लैंड भेजा गया था। कार्यकर्ताओं से मिलने के बीजेपी कैंडिडेट रामकृपाल यादव पर फायरिंग, बाल बाल बची जान। शनिवार 1 जून को पटना के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव पर अज्ञात अपराधियों द्वारा फायरिंग की गई है। जानकारी के मुताबिक रामकृपाल यादव जब मसौरी से लौट रहे थे तब उन पर गोली चलाई गई। हालांकि रामकृपाल यादव इस हमले से बाल बाल बच गए हैं। उनके साथ कार में सवार एक समर्थक को गहरी चोट आई है। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई है। रामकृपाल यादव ने बताया कि मुझे बूथ पर अवैध तरीके से एक महिला विधायक के घुसने की खबर मिली थी, जिसका निरीक्षण कर लौट रहा था। इस दौरान वे तिनेरी गांव में समर्थकों से मिलने गए थे, जहां अचानक 20 से 25 लोगों ने उन्हें पिंजरी गांव के बाहरी इलाके में घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। इस दौरान ईंट पत्थर के अलावे फायरिंग भी की गई थी। रामकृपाल यादव ने अपने बयान में कहा है कि वो हमलावरों को नहीं जानते हैं। बता दें कि उनके साथ चल रहे 2 समर्थक घायल हैं, जिन्हें नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। पुलिस द्वारा आगे की छानबीन की जा रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की लालू यादव की शिकायत, मुश्किल में फंस सकते हैं राजद सुप्रीमो। अंतिम चरण के मतदान के दिन बीजेपी ने लालू यादव के खिलाफ चुनाव आयोग में गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाए हैं। भाजपा ने एक पत्र लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी पटना को शिकायत में कहा है कि 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के दिन शनिवार को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी राजद के चुनाव चिन्ह लालटेन छाप को प्रदर्शित करते हुए अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह लालटेन वाला गमछा गले में लपेट कर मतदान केंद्र के अंदर मतदान करने के लिए पहुंचे थे, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 130 के प्रावधानों से प्रतिबंधित है एवं दंडनीय अपराध है। साथ ही साथ ये आदर्श आचार संहिता के निर्देश संख्या 135 की कंडिका 8 का भी खुलेआम उल्लंघन का मामला है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के लिए इंडिया चैंपियंस तैयार। इंडिया चैंपियंस ने इंग्लैंड में पहली बार आयोजित होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के लिए स्क्वाड की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह को टीम का कप्तान बनाया गया है, तो वहीं दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह, सुरेश रैना, इरफान पठान, रॉबिन उथप्पा, अंबाती रायडू, यूसुफ पठान, गुरकीरत मान, राहुल शर्मा, नमन ओझा, राहुल शुक्ला, RP सिंह, विनय कुमार, धवल कुलकर्णी को टीम में शामिल किया गया है। शुक्रवार को 31 मई को नई दिल्ली में टीम की जर्सी लॉन्च की गई थी। 3 जुलाई से एजबेस्टन में खेले जाने वाले इस लीग में कुल 6 देश हिस्सा लेंगे। लीग का फाइनल मैच 13 जुलाई को खेला जाएगा। आपको युवराज सिंह की बैटिंग कैसी लगती है, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1988 में बॉलीवुड के महान अभिनेता, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राज कपूर का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1987 में बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। आज के दिन वर्ष 1956 में तमिल और हिंदी सिनेमा के बेहतरीन फिल्मकारों में शुमार मणि रत्नम का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1963 में भारत के प्रसिद्ध व्यवसायी नटराजन चंद्रशेखर का जन्म हुआ था।
मई महीने में यूपीआई ने बनाया नया रिकॉर्ड। यूपीआई पेमेंट ने मई महीने में 20.45 ट्रिलियन रुपए के 14.04 बिलियन लेन देन संसाधित करके मूल्य में एक नया उच्च स्तर हासिल किया है, जबकि अप्रैल में ये 19.64 ट्रिलियन रुपए था। अप्रैल के 13.30 बिलियन की तुलना में ये मात्रा के मामले में 6% और मूल्य के मामले में 4% की वृद्धि है। शनिवार को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI द्वारा साझा किए गए डेटा के अनुसार मई 2023 के आंकड़े इस साल के मई महीने की तुलना में मात्रा में 49% और मूल्य में 39% अधिक थे। बता दें कि अप्रैल 2016 में यूपीआई के चालू होने के बाद से मूल्य और मात्रा के मामले में मई के आंकड़े सबसे अधिक थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे ने प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया था? ऑप्शन ए है एना कारेनिना, ऑप्शन बी है वॉर एंड पीस, ऑप्शन सी है किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू अनटू दिस लास्ट। इसका सही उत्तर है अनटू दिस लास्ट। गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था? ऑप्शन ए है नमक कानून, ऑप्शन बी है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी है 1909 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1919 का अधिनियम। इसका सही उत्तर है रॉलेट एक्ट। यादाम्बू की संधि पर किस युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ऑप्शन बी है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ऑप्शन सी है आंग्ल भूटान युद्ध, ऑप्शन डी है तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध। इसका सही उत्तर है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है कुमार गुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है स्कंद गुप्त, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही उत्तर है कुमार गुप्त प्रथम। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी है CR दास, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी है RN मुथोलकर। इसका सही उत्तर है CR दास। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रवि कुमार राम, सपना कुमारी, अवधेश कुमार, साधना देवी, विश्वनाथ कुमार, रविशंकर, अनुपम कुमारी, संतोष कुमार, कृष्णा कुमार, अतीक खान, मंटू कुमार, रविंद्र राज, सूरज कुमार, संजीव कुमार, स्वीटी कुमारी, नेहा कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार NDA और गठबंधन को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ